नमस्कार आदाब, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर पे, जहां आज से ठीक एक साल पहले आज के दिन ही हरियाणा पंजाब से किसान दिल्ली कूच को निकले थे और सबसे पहले उन्होंने जिस बॉर्डर को हिट किया था वो ये टीकरी बॉर्डर ही था। ये आंदोलन पिछले साल 26 नवंबर के हुए शुरू हुआ था, जब केंद्र की मोदी सरकार ने 3 विवादित कृषि कानून लाए थे जिसके खिलाफ किसान थे। उस दिन से लेकर आज तक किसान लाखों की संख्या में अलग अलग बॉर्डरों पे सड़क पर बैठे हुए हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात उन्होंने सब यहीं झेली है। और इस पूरे एक साल के किसान आंदोलन के बाद कुछ दिन पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने माना उसके द्वारा लाया गया कृषि कानून गलत था, जिसको वो जनता को समझा नहीं पाए, और उसके बाद उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। आंदोलन आज भी जारी है और किसान आंदोलन का साफ कहना है जो वो 3 कृषि कानूनों के वापसी के साथ साथ MSP की गारंटी और उसके आंदोलन के दौरान जो 700 से अधिक किसान शहीद हुए उनकी शहादत और उनके लिए मुआवजा तक नहीं दिया जाता तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। किसान आंदोलन को आज हो गया है, इसमें सबसे पहले तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कैसा रहा किसान आंदोलन, क्या सीखा, क्या सीखने को मिला, क्या रही लड़ाई? देखो जी, किसान मजदूरों ने बहुत सारे कष्ट सहे हैं और ये लंबा आंदोलन सरकार ने खींचा। किसान इतना लंबा नहीं खींचना चाहते थे जितना सरकार ने इसको विलंब कर दिया। बहुत से भाई हमारे 750 से ऊपर शहीद हो गया और बहुत सारा किसान मजदूरों का नुकसान हुआ, बड़ी कीमती जानें चली गई। तो सरकार को इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए था, ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, सरकार की गलती है। लखीमपुर खेरी से हैं आप, लखीमपुर खेरी मामले में अभी भी हम देख रहे हैं यूपी सरकार का क्या रवैया चल रहा है, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखो जी, रवैया गलत है जी। अभी तक उसके पिता से आए दिन नए नए उनको भेजते हैं सेलिब्रेट करने के लिए कि आप उद्घाटन करिए। हाँ जी, किसके पिता से, कहाँ पर? मोनू मिश्रा जी के, जो अजय मिश्रा टेनी है मोनू जी के पिताजी, उनको अभी तक उनको चाहिए था जेल में भेज देना, लेकिन उसको आए दिन चीफ गेस्ट बना के कभी कोई किसी कहीं भेज देते, कहीं कहीं भेज देते, इससे किसान मजदूरों में और बहुत गुस्सा की लहर दौड़ रही है। ठीक है, तो लखीमपुर खेरी के मामले में जो ये मिनिस्टर हैं उनके जो बेटे हैं उनको सजा दिलवाने की बात जो किसान संगठन कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो डिमांड पूरी होने पर ही उठेंगे या वो कितना ज़रूरी है इस किसान आंदोलन के ख़त्म होने पर, या जैसे मोदी जी ने कहा कि आप किसान उठ के और अपने अपने घर को वापस जाए? देखो जी, जिनके 8 बच्चे शहीद हो गए हैं हमारे लखीमपुर खीरी में, तो जितना बिल जरूरी है इतना न्याय मिलना भी जरूरी है, और उनका बेटा जो है वो कातिल है उसको भी सजा मिलना चाहिए। अजय मिश्रा टेनी जो है मुख्य रोपी है, उसने सारा इस प्लान को चालू किया, अंगूठा नीचे दिखाया और किसानों के लिए बड़ी भद्र भाषा बोला और उसमें बड़ा हमारे जिले का जो बहुत प्रेम का माहौल था उसको डिस्टर्ब किया। हम तो मांग करते हैं कि जितने किसान बिल जरूरी हैं उतना ये भी काम जरूरी है। पूरे उत्तर प्रदेश से किसान आया, यहाँ तमिलनाडु के भी किसान है, उत्तराखंड से किसान है, हरियाणा राजस्थान से भी किसान आया गाजीपुर बॉर्डर पर। किसानों का दुर्भाग्य है, एक साल हमने सरकार का इंतजार करा, एक साल बाद में किसान ने ये सरकार ने कानून वापस लिए, ये बहुत गलत किया। किसान एक साल से यहाँ धरने पर बैठा है, बड़ा गंभीर विषय है। MSP की कोई गारंटी, किसान तो MSP मांग रहा है, MRP नहीं मांग रहा है, MSP मांग रहा है। MSP में भी सरकार को देने में परेशानी है, बिजली के बिल हैं, पराली कानून है, पुराने ट्रैक्टर हैं, किसानों पर मुकदमे हैं, सरकार ने जबरदस्ती थोप दिए। सरकार 5 स्टेटों में उपचुनाव थे उस कारण हार गई सरकार, या हारी है सरकार ने जो जवाब मिला है इलेक्शन में भी अभी। हाँ सुन, इलेक्शन की बात सुन लो, इलेक्शन की ये भूल है सरकार की कि हम अपनी चोट भूल जाऊंगे, नहीं, हम 700 कुछ किसानों की जो बलि इन्होंने चढ़ाई है, जो इन्होंने बलि, इनके कारण बलि चढ़ी है, हमारे में याद रहेंगी और उसका बदला हम वोट की चोट से लेंगे। साथ में हमारी MSP की डिमांड कि जो किसानों का बहुत ही पूरे देश भर की बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है, उसके लिए तो ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ में ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को वापस लेना, लखीमपुर खीरी में
चार किसान और एक पत्रकार को कुचल कर मार डाला, ये अजय मिश्रा टेनी जैसे मंत्री, ये बहुत शर्मनाक बात है कि आज दो महीना होने के बाद आज भी वो नरेंद्र मोदी उनको मंत्रिमंडल में रखते हैं। जीएसटी लाई, नोटबंदी की थी, बहुत कुछ किया, खुदकशियां जड़ियां एवं नहीं होंदियां क्योंकि बोझ ही इन्ने बनाते कितने 250-300 का सिलेंडर, कितने 1000 रुपये का सिलेंडर, तो खुदकशी करांगे की करांगे। ज्यादातर मुद्दे अभी हमारे बाकी हैं, एक साल से हम सड़कों पे लड़ रहे हैं। पिछले दिनों में मोदी जी ने कहा कि मैं ये जो है कानून वापस ले रहा हूं क्योंकि मैं इनको किसानों को समझाने में असफल हो गया। असल में बात ये नहीं है कि वो किसानों को समझाने में असफल हो गए, उनकी तकलीफ और उनका दुख ये है कि किसानों को, मजदूरों को ये समझ में आ गया कि इन कानूनों के अंदर क्या गड़बड़ थी और वो किसी भी कीमत पे अपनी लड़ाई से एक कदम भी पीछे हटाने को तैयार नहीं हुए। और असल में उनको कोई डर लगा तो यूपी में जो अभी चुनाव चल रहा है और उसमें वहाँ के मोदी और शाह और उनके जो मंत्री संतरी हैं वो जो प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं, या हरियाणा के भी गाँव के अंदर वो जा नहीं पा रहे, अपना प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, पंचायत चुनाव अटके हुए हैं। असल में मोदी को और किसी चीज का डर नहीं है, उनको एक ही डर है उनकी वोट का कि कहीं वोट कमजोर ना हो जाए, कम ना हो जाए। किसान विरोधी रहा है, आज लग भी हमारे शहीदों के ऊपर एक शब्द नहीं बोला किसान सरकार ने, कोई भी मंत्री ने, ना प्रधानमंत्री ने। ये 750 किसान शहीद हुए हैं, युद्ध हमारे घर पान कर रहा, उसका हजाना कौन देगा? हमारे लोग शहीद हुए, हमारे ऊपर मुकदमे लगे, अजय टेनी वाला मामला हो गया, लोग जेलों में है, तो ये सारे मामले हैं, सब मामलों पे भारत सरकार बैठकर बातचीत कर रही है।